हे गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्क्स जॉस। तो आज हम रिव्यू करेंगे नियर नेचुरल्स उत्तम प्योर कोकोनट ऑयल के बारे में। ये कंपनी दावा करता है कि ये 100% प्योर कोकोनट ऑयल है। तो आज हम डिटेल में जानेंगे क्या ये वाकई में प्योर कोकोनट ऑयल है या फिर जो ये कंपनी दावा करता है वो फेक है। तो इसके पहले भी मैंने और भी कोकोनट ऑयल्स के ऊपर वीडियो बनाया, डाबर जैस्मिन के ऊपर वीडियो बनाया और सालीमर्स कोकोनट ऑयल के ऊपर भी वीडियो बनाया, और मैंने डिटेल में आपको बताया कि उसमें केमिकल है या फिर नहीं है। और आज हम डिस्कस करेंगे इसमें केमिकल है या क्या इससे हमारी हेयर फॉल के प्रॉब्लम सॉल्व होता है या फिर वो और इंक्रीज़ हो जाता है। इस बात को कोई हम आज डिटेल में जानेंगे गाइस। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो मेन टॉपिक। गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं इसका प्राइस कितना है और इसका नेट वेट कितना है। सो हियर यू कैन सी इसका नेट वेट है 100 ml 91 ग्राम, और इसका प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है 37 rupees, और यहाँ पर कंपनी दवा 40 rupees ऑफ भी है। इसका मतलब इसका एक्चुअल प्राइस था 41 rupees और अब इसका प्राइस है 37 rupees। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा बात यहाँ पर कहा है। ये छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है तो मैं आपको ये बात समझाता हूँ। ठीक है, ये कंपनी यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी प्योर कोकोनट ऑयल जब वो 25 degrees Celsius टेम्परेचर के नीचे जाए गिरेगा तब वो कोकोनट ऑयल पूरी तरह से जम जाता है गाइस। तो इन दैट केस क्या इस कोकोनट ऑयल से भी ऐसा ही होता है रिएक्शन? तो गाइस जी हाँ, मैं बचपन से इस प्रोडक्ट को देखता हूँ। मेरे घर में ऑलमोस्ट सभी इसको यूज़ करता है गाइस, बचपन से मैं भी इसको यूज़ करता हूँ गाइस, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट एंड ट्रस्टेड कंपनीज एवर इन द इंडियन मार्केट जो कोकोनट ऑयल हमें प्रोवाइड करता है गाइस। मेरे ख्याल से मार्केट में कुछ गिने चुने कोकोनट ऑयल प्रोडक्ट्स है जिसको हम भरोसा कर सकते हैं, उसमें से ये भी एक प्रोडक्ट है। नियर नेचुरल्स उत्तम कोकोनट ऑयल भी कुछ ऐसा है गाइस। हाँ, और इसके साथ साथ और भी एक प्रोडक्ट है जो है पैरासूट का 100% प्योर कोकोनट ऑयल। मुझे वो लगता है कि पर्सनली लगता है कि वो भी बहुत ही अच्छा है गाइस, और इसके साथ ये नियर नेचुरल उत्तम ऑयल भी बहुत ही अच्छा है। हाँ, लेकिन नियर का और एक ब्रांड है जो कोकोनट ऑयल है, पर वो उत्तम का ब्रांड नहीं है, तो उसमें केमिकल्स है गाइस। पर इस प्रोडक्ट में मुझे केमिकल्स मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई केमिकल देगा, इसमें केमिकल का कोई दवा करेगा गाइस। मेरे ख्याल से ये एकदम बिल्कुल केमिकल फ्री है, आप बिना किसी डाउट के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं गाइस। ठीक है, आप बात कर लेते इसका न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो आई एम जूमिंग आउट माय कैमरा हियर। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर 100 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट। एनर्जी है 900 kcal, प्रोटीन 0, कार्बोहाइड्रेट 0, टोटल फैट है 100, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है 91 और ट्रांस फैटीज 0, कोलेस्ट्रॉल MG 0। ओके, तो मेरे ख्याल से गाइस एवरीवन शुड टेक दिस कोकोनट ऑयल, हेयर ऑयल। आपको पता है कोकोनट ऑयल का बेनिफिट्स कितने सारे हैं, आपकी हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, आपकी हेयर की जो स्ट्रांगनेस है उसको इंक्रीज करता है गाइस, आपको पता है। तो दिस इज़ द ऑयल आई यूज़ एवरी टाइम, हफ्ते में 2 बार इसको यूज़ कीजिएगा गाइस, बहुत ही अच्छा है आपकी हेयर के लिए। तो दैट्स द कोकोनट ऑयल आई एम गोइंग टू यूज़ हियर। और एक बेस मेथड है कोकोनट ऑयल की इस्तेमाल करने का, आप रात को अगर आप चाहे तो रात को थोड़ा गर्म करके इसको अपने स्काल्प पे मैसेज कर सकते हैं, और या तो चाहे तो नहाने से 2 घंटे पहले इसको थोड़ा गर्म करके अपने स्काल्प पे मैसेज कर लीजिए, और उसके बाद अच्छे से अपने हेयर को वॉश कर लीजिए गाइस। तो ये थी एक छोटा और क्विक रिव्यू गाइस। तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपको यह रिव्यू कैसा लगा। मैंने जो बात कही क्या उसमें आपको लगता है कि मैंने किसी पॉइंट को छोड़ दिया, या फिर आपको अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर और एक बात गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोज़ को देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय, साइनिंग ऑफ फ्रॉम मार्क्स जॉस।